दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हो कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हमारे देश को कितना नुकसान पहुंच चुका है। यानी कि भैया, इस दूसरी लहर की वजह से कई लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है। और भाई, अब फाइनली ये खबर हम लोगों के सामने आने लगी है कि भाई, कोरोना का जो दूसरा लहर है वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है हमारे देश में। और भाई, जैसे जैसे ये दूसरा लहर कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे भैया लापरवाह लोगों की ताकत में ना इजाफा होता जा रहा है। यानी कि भैया, जब से हमारे देश में लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलने लगी है, लोग लापरवाह होकर सड़कों पर, मॉल्स में, बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछोगे कि भैया आप क्यों घूम रहे हो, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता है, तो उनकी अतरंगी सतरंगी जवाब हमें सुनने को मिलते हैं। और भाई, ऐसे ही लोगों की वजह से अब ये चिंता जताई जा रही है कि भैया इन लापरवाह लोगों की वजह से तीसरा लहर जो है कोरोना का, वो फिर से वापस आ सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं इन लापरवाह लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप लोगों को भले ही अपनी जान की चिंता ना हो, लेकिन देश के बाकी लोगों की जान की थोड़ी सी चिंता कर ले, क्योंकि आप लोगों की लापरवाही की वजह से फिर से एक बार हमारा देश जो है वो कोरोना की तीसरी लहर का शिकार हो सकता है और आपके लाइफ में फिर से एक बार लॉकडाउन वाली स्थिति आ सकती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे कोरोना का दूसरा लहर हमारे देश में कमजोर होता जा रहा है, वैसे ही वैसे भैया बॉलीवुड से वो खबरें हम लोगों के सामने आने लगी है जिसका इंतजार हम सब बहुत ही बेताबी से कर रहे थे कि भाई, जिन फिल्मों का काम रुक गया था कोरोना वायरस की वजह से, उनका काम कब से शुरू होगा और कब से हमारे बॉलीवुड के सितारे अपनी आने वाली फिल्मों का काम पूरा करने के लिए बाहर निकलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें मेल एक्ट्रेस की या फिर हम बात करें फीमेल एक्ट्रेस की, भैया सारे के सारे कलाकार अब अपनी आने वाली फिल्मों का पूरा करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास ने अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि आदि पुरुष का काम शुरू कर दिया है। और भाई, इस फिल्म में उनके साथ जो माता सीता के किरदार में नजर आएंगी यानी कि कीर्ति सेनन को भी लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी है कि भाई, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है आदि पुरुष का मुंबई में। यानी कि भैया, आदि पुरुष का जो तीसरा शेड्यूल है वो चालू हो चुका है मुंबई में। इस बात की जानकारी मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही दी थी और अब कृति सेनन को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि वो जैसे ही आदि पुरुष का तीसरा शेड्यूल कंप्लीट करेंगी, वैसे ही वो जुड़ जाएंगी भेड़िए के टीम के साथ। यानी कि भैया, भेड़िया जो कि बन रहे हैं इस बार बॉलीवुड के कुली नंबर टू यानी कि वरुण धवन। तो दोस्तों, वरुण धवन की आने वाली फिल्म की घोषणा तो 2020 में कर दी गई थी कि भैया भेड़िए के अवतार में बॉक्स ऑफिस पर नजर आएंगे वरुण धवन और उस फिल्म में उनके अपोजिट नजर आएंगी कीर्ति सेनन। तो भैया, इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही आदि पुरुष का तीसरा शेड्यूल कंप्लीट करेंगे कीर्ति सेनन, वो चली जाएंगी भेड़िया के काम को कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद वो फाइनली जुड़ जाएंगी बच्चन पांडे के टीम के साथ। यानी कि बच्चन पांडे का जो थोड़ा सा पैचवर्क बचा है उसको वो पूरा करके ही बाहर निकलेंगी। यानी कि भेड़िया से जैसे ही उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि वो बच्चन पांडे का काम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि खबरों की माने तो भैया, बैक टू बैक कीर्ति सेनन अपनी आने वाली इन तीनों फिल्मों का काम करती नजर आएंगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया, इन दिनों लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि भैया ये छूट हमें कब तक मिलती है, क्योंकि भैया लापरवाही का दौर जो है वो फिर से एक बार शुरू हो गया है लापरवाह लोगों की वजह से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।